जा रही है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको पंचकुला से बता रहे हैं। हरियाणा पुलिस के डीएसपी प्रदीप कुमार ने सरेंडर किया है, तो ये बड़ा मामला सामने आया है। प्रदीप कुमार ने पंचकुला कोर्ट में सरेंडर किया, तो प्रदीप कुमार ने सरेंडर किया है। आपको बता दें, सरेंडर करने के बाद हिसार एसआईटी ने प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया। डीएसपी पर दो प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगा है और आखिरकार प्रदीप कुमार ने सरेंडर किया है। पूरे मामले में तीन आरोपी की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है और ये बड़ा अपडेट पंचकुला से आपको ये बड़ी खबर बता रही है। हरियाणा पुलिस के डीएसपी प्रदीप कुमार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तो पंचकुला कोर्ट में प्रदीप कुमार ने सरेंडर किया और साथ ही आपको बता दें कि सरेंडर करने के बाद हिसार एसआईटी ने प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। डीएसपी पर दो प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगा है। तो पूरे मामले में तीन आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है और अब प्रदीप कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदीप कुमार ने पंचकुला कोर्ट में सरेंडर किया है। हरियाणा पुलिस के डीएसपी प्रदीप कुमार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और आपको बता दें कि सरेंडर करने के बाद हिसार एसआईटी ने प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस के डीएसपी प्रदीप कुमार ने पंचकुला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सरेंडर करने के बाद हिसार एसआईटी ने प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीएसपी पर दो प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगा है और आखिरकार प्रदीप कुमार ने पंचकुला कोर्ट में सरेंडर किया। पूरे मामले में तीन आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। पंचकुला के सेक्टर 25 स्थित ग्रीन बेल्ट में